मैट्रिक्स दे रखे हैं फाइंड ए इनवर्स और फिर ये इक्वेशन सोल्व करनी है। तो पहले ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स सभी को निकालना आता है, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे बेटा 2 × −4 + 4 − − + 3 × −6 + 4 + 5 × 3 − 2 कितना आ जाएगा बेटा 0 − 6 + 5 − 1। ए इनवर्स निकालें, ए इनवर्स के लिए कोफैक्टर निकालेंगे बेटा a11 0 a12 2 आ जाएगा, a13 कितना आ जाएगा बेटा 1। a21 कैलकुलेट करेंगे, 21 ये एलिमेंट है बेटा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दोगे 6 − 5 एक आएगा और की वजह से माइनस है। a22 कैलकुलेट करेंगे बेटा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दोगे −4 − 5 कितना हो जाएगा −9। a23 कैलकुलेट करेंगे, 23 एलिमेंट ये इस रो और इस कॉलम को छोड़ दोगे 2 × 3 = 5 और की वजह से −5। a31 कैलकुलेट करोगे बेटे, 31 एलिमेंट ये है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दोगे 12 − 10 कितना बचेगा बेटा 2। a32 कैलकुलेट करोगे, 32 एलिमेंट ये है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दोगे −8 − 15 − 23 ऑड की वजह से +23। a33 कैलकुलेट करोगे, 33 ये एलिमेंट है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया 4 और 9 कितना हो जाएगा बेटा 13। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले क्या इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालेंगे बेटा 0 2 1 का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा बेटा ट्रांसपोज 0 2 1 −1 − 9 − 5 तो हमें ए इनवर्स निकालना है बेटा कितना 1/a का डिटरमिनेंट −1 आया था 0 × adjoint a जाओ इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो बेटे कितना हो जाएगा आपका इनवर्स 2 − 3 − 4 − 1 − 2 × b × x 11 − 5 − 3 × x − 6 × x y z। अब यूज दिस रिजल्ट, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हो तो इस रिजल्ट का यूज करना है, इसका और सी का कोई कोई रिलेशन मिलेगा बेटा। देखिए ये तो दोनों ही सेम है, तो सेम है तो ए का इनवर्स निकला था तो ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो था तो इसका भी नॉन जीरो ही आएगा, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा फिर आपके एक्स की वैल्यू डायरेक्ट सी इनवर्स इंटू बी, एक ही जगह आपका सी आया होगा बेटा, तो सी का इनवर्स कौन होगा जो ए का इनवर्स है, दोबारा निकालोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, सोचेंगे इस रिजल्ट का यूज कैसे हुआ फिर, ठीक है। तो सी इनवर्स कितना अपना 0 − 1 − 2 − 2 − 9 − 23 − 1 − 5 − 13 × b कितना बेटा गुणा करा देते हैं, ये x की वैल्यू निकलती जाएगी, गुणा कराइए 0 − 5 + 6 11 × 22 − 43 + 23 − 39 + 23 − 39 कितना है बेटा 1 = 67 होगा 2 बचेगा 36 होगा 3 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू 1 y की 2 और जेड की 3। बोलिए बेटा समझ आ जाना चाहिए, इफ ए फाइंड ए इनवर्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना, तो पहले ए का इनवर्स निकालने के लिए ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें 1 ×
6 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 6 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 यानी कितना आ गया बेटा -11। हम कोफैक्टर निकालेंगे बेटा a11 a12 a13 a21 एलिमेंट ये है इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया 3 प्लस 1 4 और की वजह से -4। a22 कैलकुलेट करेंगे 3 माइनस 2। a23 कैलकुलेट करेंगे -1 -2 -3 और की वजह से +3। a31 कैलकुलेट करेंगे बेटा -3 -2 -5। a32 कैलकुलेट करोगे -3 -1 -4 और की वजह से +4। a33 कैलकुलेट करोगे 2 -1 1। कैलकुलेट करते हैं बेटा एडजॉइंट 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज सभी को पता है बेटा, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था बेटा, 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। ए इनवर्स हमने निकाल लिया बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। देखिए सी मैट्रिक्स कितना बनेगा बेटा, ए नाम वहां लिखा हुआ इसलिए हमने इसका सी लिख दिया। बी मैट्रिक्स क्या होगा बेटा अपना 0 9 -14 और एक्स कितना होगा जिसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप सी और ए में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो क्या है। देखो बेटा सी और ए में क्या रिलेशन है, अगर हम सी का ट्रांसपोज कर दें तो ए बन सकता है या ए का ट्रांसपोज कर दें तो सी बन जाता है। तो सी का सी किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज ऐसे लिख दें। सी किसके बराबर है तो सी का इनवर्स फिर किसके बराबर होगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। क्यों, क्योंकि हमें रिजल्ट पता है बेटा। वैसे तो क्या होगा अगर लिखो तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स, लेकिन वो किसके बराबर होता है, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के। तो इसलिए ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिख लेते हैं बेटा 1/-11 ट्रांसपोज लिखेंगे 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1। समझ आना चाहिए सी इनवर्स। और कोई ज्यादा लंबी कहानी नहीं थी बेटा, इतना ही था कि इस ट्रांसपोज था बस। x की वैल्यू कितनी होगी c इनवर्स इनटू c का इनवर्स कितना अपना -4 1 3 इनटू b 0 9 -14। क्या मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं बेटे, 0 -81 इसी प्रकार बेटे 0 + 9 -42 0 36 -14 -11 -33 + 22 -11 बटे में भेजेंगे बेटा 1 3 1 3 -2 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाती है 1, y की 3 और z की -2। तो हो जाने चाहिए दोनों क्वेश्चन। प्रोडक्ट हो पहले दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करनी है बेटा और फिर इसी रिजल्ट का यूज करते हुए ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो प्रोडक्ट यही करते हैं, दोबारा ना लिखू स्टेटमेंट कितना बेटे -2 -9 +12 0 -2 +2 1 +3 -4
0 + 18 - 18, 0 + 4 - 3, 0 - 6 + 6, -6 - 18 + 34, 0 - 4 + 4, 3 + 6 - 8। ध्यान से देखिए गुणा आइडेंटिटी आ चुकी है, और दो मैट्रिक्स की गुणा आइडेंटिटी आती है तो एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा हमेशा इस प्रकार से कि इफ ए बी या बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी हो देन ए इनवर्स किसके बराबर होता है बी के, एंड बी इनवर्स किसके बराबर होता है ए। हो सकता है ऐसा रिजल्ट यहाँ पर बने, यहाँ पर नाम नहीं दे अपनी मर्जी है, ए ही रख लीजिए चेक। ए अपना क्या बनेगा बेटा 1 - 1 = 2, 0 - 2 - 3, 3 - 2 = 4। बी कितना बनेगा बेटा 1 - 1 = 2, और एक्स कितना बनेगा एक्स वाई जेड। अब देखो इस ए का कोई रिलेशन वहां से, ए फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल है बेटा, और दो मैट्रिक्स की गुणा आइडेंटिटी आती है तो एक दूसरे के इनवर्स है, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स कौन है ये सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम गिवन रिलेशन ए इनवर्स इक्वल टू जो ये सेकंड मैट्रिक्स है -2 - 0 - 1, 9 - 2 - 3, 6 - 1 - 2। इनवर्स मिल गया, एक्स की वैल्यू निकालना कितना आसान होगा, नाउ एक्स किसके बराबर था बेटा ए इनवर्स इनटू बी, ए इनवर्स अपना कितना आया है -2 - 0 - 1, 9 - 2 - 3, 6 - 1 - 2, इनटू बी कितना है बेटे 1 - 1 = 2। क्या गुणा करा सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं गुणा बेटे, कितना आ जाएगा -2 + 0 + 2, इसी प्रकार बेटे 9 + 2 - 6, और ये कितना बेटे 6 + 1 - 4, कितना आ गया 0 - 5 - 3, दैट इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू 0 बेटे, वाई की 5 और जेड की 3। बोलो समझ आना चाहिए।